जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी भाई बहनों को हृदय के साथ प्रणाम, चरण बंदन। मैं गोभक्त संजय सिंह पहलवान, गांव कोसक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से। और जैसा कि आपको पता है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ आज जो दरिंदगी गंदे लोग कर रहे हैं और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अगर इसको भारत सरकार और भारत सरकार के सभी हिजड़ा मंत्री रोक नहीं सकते, तो भारत देश को देशभक्त, गुरुभक्त, राष्ट्रभक्त लोगों के हाथ में सौंपो और फिर पता चलेगा आपको कि कुकर्मी कैसे खुले घूमते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कोई होम मिनिस्टर है, सीएम है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए है, विधायक है, चेयरमैन है, सरपंच है, उन हिजलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप क्यों बैठे हो इतने बड़े बड़े पदों पर, जब आप देश की कमाल संभालने के लिए लोग अपनी एक साल में अपनी कीमत की बहुत बड़ी चीज़ यानी कि वोट को आपके नाम करते हैं, देश के हिजलाओं, क्या इसलिए लोग आपको वोट देते हैं कि हमारी माता बहनों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो और आप लोग बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों में अच्छा भोजन खाओ और जीवन को व्यतीत करो और आपके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़े। मूर्ख लोगों, और भारतीय जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनो और संसद में भेजो, अच्छे लोगों को चुनो और देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीएम, होम मिनिस्टर, जिस भी पद पर आप बैठाते हो वो सर्वगुण संपन्न है, और लेकिन ऐसे इंसान को चुनो जो मुश्किल घड़ी में देश का साथ दे सके, बगैर धोखेबाजी गद्दारी करें। और इन कुकर्मियों से खुला चैलेंज मैं देता हूँ गौ माता की कृपा से, कि भारत के सभी जितने भी गोभक्त, गुरुभक्त, राष्ट्रभक्त हैं, अगर वो असली हिंदू है और भारत माता का खून उनकी रगों में घूमता है और रगों में दौड़ता है, तो उनसे कहना चाहता हूँ एक होकर जितने भी कुकर्मी देश में हैं सभी को सजा दे। जेल में जितने भाई रहते हैं उनकी तो जीवन बीत रहा है, लेकिन कहना चाहता हूँ कोई भी कुकर्मी किसी भी माता बहन के साथ गलत काम करके जेल में जाता है, सजा देने का आपका फर्ज बनता है अगर आप जेल में बंद हो तो। और जो बाहर है वो लोग बाहर सजा देंगे उन कुकर्मियों को, और बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को या तो जिंदा जला दिया जाए या फिर गोली से मार दिया जाए। और इन देश के गद्दार धूर्त नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, विदेश जैसे कि बगदाद, ऐसे देशों से आपको सीख कर और अपने जीवन को परिवर्तन करें और ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करो, अपने लिए मत जियो, देश के लिए जियो। और इन हिजलाओं से मैं क्या कहूँ, सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, जिंदगी उसी का नाम है जिसका दुनिया नाम जपती है। अरे वैसे तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है, अच्छा है कुछ देश धर्म के लिए काम करना, नाप खाली हो तो मझधार में पलटती है। जय गौ माता की, जय श्री राम। और फिर एक बात कहता हूँ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को देशद्रोही, गद्दार, चोर, कुकर्म, बेईमान लोगों से बचा कर रखो और उनको बलिष्ठ बनाओ, ताकतवर बनाओ, अच्छा पढ़ाओ, गौ माता की सेवा से, गौ माता की रक्षा से, भारतीय संस्कृति से जोड़ो और जीवन को धन्य बनाओ। देशद्रोही गद्दार नेताओं का बहिष्कार करो और उनको उनके ऊंचे पदों से नीचे गिरो। राम राम जी।